नाम ताज है, मेरी बहन छोटी अस्मा चौथी बहन है ये मेरी। मेरी बहन की शादी होकर 5-6 साल हुआ, 5-6 साल से मेरी बहन बहुत टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी। इस वजह से टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरी बहन सब्र करके ये रिश्ते को लेकर चलने की कोशिश में थी कि हमारे इस्लाम में तलाक नहीं देना, सब्र करना, सब्र का फल बहुत अच्छा मिलेगा बोल के। आज मेरी बहन को सब्र का फल मिल गया, उसके पेट में बच्ची है बोल के उन लगा मालूम करा लिए, उनके खानदान में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है उससे मालूम करा ले कि 1 हफ्ता पहले से मेरी बहन पर टॉर्चर देना शुरू कर दिए। जैसा मालूम हुआ कि पेट में बच्ची है, मेरी बहन खामोशी से सुन ली, कहते किचन में थी उन्हें पका रही थी, ये बात सुन ले के सीधा छत पे भागी, कहते मेरी बहन रूम में भाग लेते गई तो उसका शौहर पीछे से आके उसको सीढ़ियों पे से जो मार लेते हुए लेके गया, पेट के ऊपर लाता मारते हुए मेरी बहन का चपड़ा तोड़ दिया। वॉशरूम में जाके मेरी बहन भागते उत्ते पे भी मेरी बहन भागते हुए जाके वॉशरूम में छुप गई, वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ के उसको लेके आके पेटों पे लाता मारा, यहाँ लेके आए हबीब नगर PS में लेके आए थे, सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल को भेजे। मेरी बहन के मुँह के अंदर टाके लगे, पूरे दांत टूट गया मेरी बहन का। फिर सीधा इसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट कन भेजे तो मेरी बहन को डिस्चार्ज शुरू हो गया था। आज उसकी बच्ची मर गई साहब, 5 महीने की बच्ची है, प्रेग्नेंट थी, 5 महीने प्रेग्नेंट थी। ये पहले उसके संगत रोज हो रहा था, 5-6 साल हुआ। नहीं हम लोग कंप्लेन इस वजह से नहीं करे, हमारी बहन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मेरी बहन कहीं को किस पे भी बोझ बनूं, मेरी बेवा माँ है बल्कि सबर करके मेरी बहन जी रही थी। मेरे भाई कोऑपरेट कर रहे थे, अब मेरे भाइयों की शादी भी होकर 2-3 साल हो गया तो उन्हें अब कहीं कोई लोग की ज़िंदगी में डिस्टर्ब करूं, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी बोल के मेरी बहन बोली नहीं। जितने बड़े चीज़ें होते थे कभी भी मारा खाना जुल्म सहना सबर कर लेना, लेकिन आज तो हाथ पार हो गई, उसकी बच्ची को इंसाफ दिला दो, उसकी 5 महीने की बच्ची मर गई थी। आप नगर PS में कंप्लेन करें, ये बच्चे वाले घटाला मस्जिद के सामने रहते हैं उन लोग, मल्लापल्ली जी, हम लोग मैं याकूतपुरे में रहती हूँ जी। पुलिस वाले एक्शन तो बोल इंसाफ दिलाएंगे बोल के बोल रही, जाएंगे बोल के बोल रहे, लेकिन उसको एक भी उंगली नहीं लगा, एक भी मार नहीं मारे। आज उसको मारना बच्चे को जिसका हस्बैंड है, ये बच्ची की डेड बॉडी है, देखो आप लोग आंख खोल के भी देख सकते हैं। अब हम लोग तदफीन कराने के लिए जा रहे हैं, तदफीन करने के लिए जा रहे हैं, इंसाफ दिलाओ आप लोग, एक बच्ची को इंसाफ दिलाओ बस।